और रॉयल पोसेशन यानी कि एक शाही जुलूस। ये जो कहानी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सुभद्रा सेन गुप्ता की स्टोरी से लिया गया है। इस स्टोरी में दो भाई बहन की कहानी है, वे दोनों कुम्हार रहते हैं यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। एक दिन वह बौद्ध मठ में वे दोनों अपने सामान को लेकर जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि ना इसे घूम लिया जाए। वह जब इसमें घूमने लगते हैं तो वह इनमें तरह तरह की खूबसूरत चीजें देखते हैं, नक्काशी देखते हैं, चित्रकलाएं देखते हैं, बौद्ध भिक्षु का कमरा भी देखते हैं। जब ये दोनों भाई बहन घूम रहे थे तभी उनको एक कमरे में भगवान बुद्ध की मूर्ति के आगे एक बंदा बैठकर ध्यान लगा रहा था। तो वो दोनों उस बंदे के पास जाते हैं, उसके विषय में पूछते हैं, वो भी उनका अच्छी तरीके से सवाल जवाब करता है। अगले दिन जब वो दोनों अपने काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक शाही जुलूस निकलता है। उस शाही जुलूस में क्या था इसे देखकर वे दोनों काफी ज्यादा चौंक गए, यानी कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि वे किससे मिले थे। तो यही मैं कहानी में बतलाऊंगा कि वे दोनों भाई बहन बौद्ध मठ में किससे मिले थे जिसे जुलूस में देखकर वे लोग काफी चौंक गए। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और प्रोसेशन यानी कि शाही जुलूस। इट वॉज इवनिंग इन द मॉर्निंग व्हेन पार्वती एंड हर ब्रदर लक्ष्मण इंटर द मोनेस्ट्री थ्रू द टोल गेट। यानी कि यह सुबह का समय था जब पार्वती और उसका भाई लक्ष्मण मठ के एक बड़े से दरवाजे से होकर वे लोग मठ के अंदर यानी कि मठ के अंदर वे लोग प्रवेश करते हैं। देयर फादर वॉज अ पोर्टर एंड दे हैड कम टू डिलीवर अर्थन पॉट्स प्लेट्स बॉल्स एंड ग्लास। उन लोगों के पिताजी पोर्टर यानी कि कुम्हार थे, वे लोग अपने साथ मिट्टी के बर्तन उस मठ में देने आए थे। उन बर्तनों में शामिल था प्लेट बॉल ग्लासेस। पुटिंग डाउन हर बास्केट पार्वती लुक्ड अराउंड द कोर्टयार्ड व्हिच वाज सराउंडेड बाय अ रो ऑफ स्मॉल रूम्स एंड आस्क्ड इज दिस वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क स्टे। यानी कि जब वे दोनों अपने क्या करते हैं टोकरी को नीचे रख डालते हैं तब पार्वती आंगन के चारों ओर देखने लगती है जो कि क्या था जो कि चारों ओर से एक कतारों में छोटे छोटे कमरों से वो आंगन घिरा हुआ था। जिसे देखकर पार्वती बोलती है क्या ये जो कमरे हैं ना वो बौद्ध मॉन्क के हैं जो यहाँ पर वे लोग ठहरे हुए हैं। उसके बाद उधर से क्या जवाब आता है आप वीडियो में बने रहें। इस टॉपिक ये जो चैप्टर है ना इसका क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट बुक वर्क भी मैंने कराया है जो कि वीडियो के मिडिल पार्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सेड लक्ष्मण। तब लक्ष्मण बोलता है हाँ। दे लिव इन दोज रूम्स एंड प्रे इन दैट टेम्पल। तब लक्ष्मण बोलता है कि वे लोग उन कमरों में रहते हैं और इस मंदिर में वे लोग अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड बिहारा। ये जो स्थान है ना उनको हम लोग बौद्ध बिहार कहते हैं। They carried the basket to the kitchen, where two monks in saffron robes were busy cooking. वे दोनों अपने बास्केट को लेते हैं और किचन में आते हैं जहाँ पर वे लोग देखते हैं कि जो दो monks है ना वो saffron यानी कि गेरुआ कलर के लबेदा यानी कि वस्त्र ओढ़े हुए थे और वे दोनों cooking यानी कि खाना बनाने में वे लोग busy थे। Ah, you must be children of the potter, one of them smiled. यानी कि उनमें से एक monk है ना वो मुस्कुराता है और बोलता है लगता है कि तुम potter यानी कि कुम्हार के लड़के हो गए। Is this the first time you have come to the Bihar? तब वे उन दोनों भाई बहन से प्रश्न करते हैं क्या यह तुम्हारा पहली बार इस बिहार में आगमन है। Yes, said लक्ष्मण। तब उनका भाई पार्वती का भाई लक्ष्मण बोलता है कि हाँ हम लोग पहली बार ही इस बिहार में आए हैं।
इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू हैव गार्डन पॉट्स। अब लक्ष्मण बोलता है ये जो स्थान है ना, ये काफी खूबसूरत स्थान है। इस बिहार में बहुत ही खूबसूरत बगीचे हैं, तालाब है, और भी सारे बातें लक्ष्मण उनसे बोलता है कुकिंग करने वाले मॉन्क से। यू मस्ट सी आवर टेम्पल, द मॉन्क सेड एज ही पिक्ड देम फॉर द पॉटरी विथ ए हैंडफुल ऑफ पाना कॉइंस। तब वो मॉन्क बोलते हैं कि तुम हमारे टेम्पल को देखोगे, ये कहते हुए क्या तुम्हें मेरे टेम्पल पसंद है, ये कहते हुए जो मॉन्क है ना उनको उनके बर्तन के लिए जो नगद भुगतान होता है ना, मुद्रित कॉइन जिसको पाना बोलते हैं, वो एक मुट्ठी पाना कॉइन लेते हैं, उन बच्चों के हाथ में रखते हैं और बोलते हैं तुमको हमारा जो टेम्पल है ना वो जरूर देखना चाहिए। Then he gave a mysterious smile and said, "You may meet someone very interesting there." तब वे क्या करते हैं? वे मॉन्क अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान को लाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुमको इस बौद्ध जो टेम्पल है ना उनको घूमना चाहिए और घूमते हुए तुमको कोई एक मजेदार व्यक्ति तुमको वहां पर प्रार्थना करते हुए मिलेगा। तब वे लोग क्या करते हैं? तब वे लोग घूमना मंदिर में स्टार्ट कर देते हैं। When the children entered the hall of the temples, their eyes widened in wonder. जब वे बच्चे उस बिहार के हॉल में दाखिल होते हैं तब उनकी आंखें क्या होती हैं? आश्चर्य से चकाचौंध हो जाती है। It was such a beautiful place. क्योंकि ये जो स्थान था ना, ये स्थान काफी खूबसूरत स्थान था। The wooden pillars were carved with delicate design. The wall painted with a splendid picture and the floor covered with soft woven mats. यानी कि जब ये लोग क्या करते हैं, हॉल में दाखिल होते हैं, तब हॉल में लकड़ी के बने हुए पिलर्स देखते हैं जिन पर नक्काशी किया हुआ गया था, यानी कि जिन पर काफी नाजुक और काफी खूबसूरत नक्काशी किया हुआ था। दरवाजों पर काफी स्प्लेंडेड, काफी शानदार चित्रकलाएं की गई थी, और उनका जो फ्लोर यानी कि जो जमीन जो फर्श था ना उस पर मुलायम बुने हुए मैट्स बिछे हुए थे। इन फ्रंट ऑफ देम वाज ए श्रीन विथ द फीट ऑफ बुद्धा कार्व्ड ऑन अ राउंड स्टोन। यानी कि उनके सामने क्या था, उनके सामने ही एक मंदिर था, वहां पर भगवान बुद्ध के क्या किया गया था, एक गोल पत्थर पर उनकी फीट यानी कि उनके पैर की नक्काशी की गई थी। इट वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, बॉल्स ऑफ स्मोकिंग इंसेंस वेयर प्लेस्ड बिफोर इट। यानी कि उन सजावटों में क्या था, यानी कि उस पत्थर उन पत्थर के चारों ओर फूलों की सजावट की गई थी और उनके आगे धूप बत्ती रखा गया था जो कि काफी खूबसूरत यानी कि काफी सुगंधित महत्व द्वारा वातावरण को क्या कर रही थी, बहुत ही ज्यादा महका रही थी, जिनसे ध्यान लगाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल मॉन्क को हो रहा था। इमेन सेट प्रेइंग बिफोर द स्वीन हिज फिंगर्स मूविंग ओवर अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। यानी कि एक आदमी वहां पर क्या था, उस श्रीन यानी कि उस मंदिर में आदमी बैठा हुआ था, उनके हाथ में क्या थी, मनके की माला थी, उस माले पर वो आदमी अपने हाथ को फिरा रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हियरिंग द चिल्ड्रन अप्रोच द मैन ओपेंड हिज आईज। बच्चों की आवाज सुनकर, जैसे ही बच्चे वहां पर प्रवेश हुए उनकी आवाज सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गई। ओह आई एम सो सॉरी सर, डिड वी डिस्टर्ब योर प्रेयर, पार्वती आस्क्ड क्विकली। यानी कि जब उस व्यक्ति की आंखें खुली तब पार्वती उस आदमी से माफी मांगते हुए बोलती है, क्या हमने आपके प्रार्थना में बाधा पहुंचाया, जिसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ये सारी बातें पार्वती काफी तेजी से उस आदमी से बोलती है। The man smiled, no, you did not. तब आदमी मुस्कुराता है और बोलता है, नहीं तुमने ऐसा कुछ नहीं किया।
व्हाट आर द टू ऑफ यू डूइंग हियर, यानी कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वे लोग जवाब देते हैं, वी बॉट सम पॉट्स एंड बॉल फॉर द मोनेस्ट्री किचन, हमने मोनेस्ट्री के किचन के लिए कुछ बर्तन और प्याले हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे। लक्ष्मण एक्सप्लेन, इन सारी बातों को लक्ष्मण उस व्यक्ति को बताता है। आवर फादर इज पॉटर, हमारे पिताजी किसान हैं, भले कुम्हार है। आह द मैन सेड लीनिंग फॉरवर्ड, तब वो आदमी उनके और सर झुकाते हुए क्या करता है, उनसे कुछ बोलता है। कैन यू वर्क ऑन पॉटर्स व्हील, वो बोलता है क्या तुम कुम्हार के जो पॉटर व्हील जो चाक है ना उन पर तुम लोग काम करते हो। वेल वी ट्राई, पार्वती शूक हर हैंड बट, तब पार्वती अपने सर को हिलाते हुए बोलती है कि हाँ हमने तो ट्राई किया लेकिन हमसे ये काम हो नहीं पाया, या कहते हुए पार्वती अपने गर्दन को हिलाती है। आवर पॉट कम आउट ऑल क्रूक्ड, लक्ष्मण ग्रीन, तब लक्ष्मण ग्रीन यानी कि मुस्कुराते हुए बोलता है ये जो हमारा जो पॉट रहता है ना वो हर बार टेढ़ा मेढ़ा होकर खराब हो जाता है। ये बात को बोलते हुए लक्ष्मण मुस्कुराता है। व्हाट आई रियली लाइक टू डू, पार्वती एडेड इन टू पेंट द पॉट, तब पार्वती तब लक्ष्मण बोलता है कि हम लोग तो ऐसा ही वास्तव में करना चाहते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। पार्वती इस बर्तन पर पेंटिंग करती है। इट इज आई यूज ए वाइट कलर मेड फ्रॉम लाइम पाउडर एंड ब्लैक फ्रॉम द सूट ऑफ ऑयल लैम्प, तब वो बताता है लक्ष्मण कि मैं सफेद कलर चूना से लेता हूँ जबकि जो काला कलर रहता है ना वो लैम्प की काली से हम लोग काला कलर को निकालते हैं और बर्तनों पर हम लोग पेंटिंग करते हैं। एंड व्हाट यू पेंट द मैन आस्क्ड क्यूरियसली, तब वो आदमी जिज्ञासु होकर पूछता है तो तुम लोग उन बर्तनों पर पेंट क्या करते हो। फ्लावर्स एंड क्लाउड्स लीव्स एंड बर्ड्स, पार्वती सेड ड्रीमली, तब पार्वती सोचती है और सोचने के बाद बोलती है हम लोग फूलों बादलों पत्तियों और चिड़ियों की हम लोग पेंटिंग करते हैं। ये बातें पार्वती सोचती है और काफी सोचने के बाद उस आदमी से कहती है आई विश आई कुड पेंट लाइक यू द मैन साइड, तब वो आदमी आह भरता है और आह भरते हुए बोलता है आह मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी तुम लोगों के जैसा कुछ पेंट करूं। बट ऑल आई नो इज हाउ टू फाइट विथ द सॉर्ड, लेकिन मेरे को बस इतना ही पता है कि मैं तलवार के साथ ही लड़ता हूँ, मुझे तलवार के साथ लड़ने की समझ है, वो आदमी उन बच्चों से बोलता है। देन यू आर नॉट ए मॉन्क, तब तुम मॉन्क यानी कि साधु नहीं हुए। द मैन शूक हिज हैंड आई वॉज ए शोल्डर, तब आदमी अपने सर को हिलाकर राजामंदी देता है और बोलता है मैं एक सैनिक था। बट आई हैव स्टॉप फाइटिंग नाउ, लेकिन मैंने लड़ना अब छोड़ दिया। बिकॉज आई बिलीव इन टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, क्योंकि मुझे अब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर भरोसा है, जिस कारण से मैंने लड़ना छोड़ दिया, तलवार उठाना छोड़ दिया और मैं साधु बन गया। आर यू एन इम्पोर्टेंट पर्सन सर, क्या आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो श्रीमान। द मैन लाफ्ड, तब आदमी हंसने लगता है। आई एम जस्ट अ रिटायर्ड सोल्जर हु वर्क इन द पैलेस, तब वो आदमी बोलता है मैं तो केवल रिटायर्ड सैनिक हूँ जो कि मैं महल में काम करता हूँ। इन द पैलेस इन द प्लेस ऑफ हिज मैजेस्टी किंग अशोका, लक्ष्मण एक्सक्लेम, तब लक्ष्मण आश्चर्यचकित होकर आदमी से बोलता है क्या आप सम्राट अशोक के महल में काम करते हैं। यू आर सो लकी, आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि आपको सम्राट अशोक के महल में कार्य करने का मौका मिला। वाई द मैन लुक्ड पजल, तब आदमी क्या करता है अपने मुंह पर कुछ सोचने की बात करता है और बोलता है क्या ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझे काफी भाग्यशाली बोल रहे हो। बिकॉज यू कैन सी द किंग एवरी डे, तब लक्ष्मण बोलता है क्योंकि आप
महाराज को प्रत्येक दिन देखते हैं, इसलिए आप काफी लकी यानी कि भाग्यशाली हैं। Do you know we have lived in Pataliputra our lives but have never seen him। तब वो बोलता है कि मैं भी पाटलिपुत्रा में मैं भी रहता था, लेकिन मैंने अपने जिंदगी भर महाराज को कभी नहीं देखा है। The man laughed. Well, I don't think the king is really worth looking at. He is not handsome at all. तब आदमी हंसते हुए बोलता है, Well, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये जो राजा है ना, वो देखने लायक नहीं है, क्योंकि राजा की कोई भी कीमत नहीं है। ये जो राजा है ना, वो देखने लायक नहीं है, ना ही वो ज्यादा हैंडसम यानी कि वो ज्यादा नौजवान है। Of course he is, said पार्वती। तो पार्वती बोलती है, बेशक हमारे महाराज काफी हैंडसम है। After all, his majesty is the most powerful king in the whole wide world। तब वो बोलती है इसके बाद कि जो मेरे राजा है ना, वो संसार के सबसे शक्तिशाली राजा है और वे पूरे विश्व पर वे राज करते हैं। If you say so, the man said, getting up to go। अगर तुमको महाराज को देखने का मन हुआ, ये बातें कहते हुए आदमी उठता है और वहां से चला जाता है। He touched their head and blessing। वह आदमी जाने से पहले उनके सर को छूता है और आशीर्वाद देता है। I am sure you will meet the king। तब वो बोलता है कि मैं आश्वस्त हूँ कि तुम एक न एक दिन जरूर राजा से मिलोगे। We know he may surprise you one day। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ ये जो राजा है ना, तुम्हें एक दिन आश्चर्य में जरूर डाल देंगे। He said and he walked away smiling। ऐसा बोलते हुए वो आदमी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। A few days later, the children were helping their father in his work। उस दिन के बाद कई दिन बीत जाते हैं, बच्चे अपने पिता के काम में मदद कर रहे होते हैं। लक्ष्मण was kneading the clay। लक्ष्मण क्या करता है, लक्ष्मण माटी को गूंथ रहा होता है, सान रहा होता है। His father was at the potter's wheel making earthen pot। उसके पिताजी चाट पर मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हैं। एंड पार्वती वाज पुटिंग देम आउट इनटू द ड्राई। पार्वती उन बर्तनों को ले जाकर बाहर सूखने के लिए धूप में रख रही होती है। सडनली देयर फ्रेंड केशव कमिंग रशिंग इन शाउटिंग। तब अचानक उनका दोस्त केशव दौड़ते हुए चिल्लाते हुए उनके पास आता है, कम क्विकली, तेजी से यहाँ आओ, अ रॉयल प्रोसेशन इज कमिंग दिस वे। एक शाही जुलूस इस ओर ही तेजी से आ रही है। In a flash, they were running to the road leading to the monastery। यानी कि इसी के साथ वे लोग तेजी से सड़क पर जाते हैं जो सड़क मठ की ओर जा रहा होता है। केशव सेड, किंग अशोका एंड क्वीन माधवा वेयर कमिंग टू प्रे एट द मोनेस्ट्री। तब केशव बोलता है कि सम्राट अशोक और उसकी रानी माधवी वे दोनों मोनेस्ट्री में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। They stood by the side of the road, यानी कि वे दोनों रोड के एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं। Watching the wide eyes as the royal procession slowly come toward them, तब वे अपने आंखों को फैलाकर शाही जुलूस को देखते हैं जो कि धीरे धीरे ही उनकी एक तरफ आ रहा था। First came the marching soldier carrying tall shining spear, सबसे पहले उनको मार्च करते हुए सैनिक दिखलाई देते हैं जो कि अपने साथ भाले बर्छी लेकर आ रहे होते हैं। Followed by chariot pulled by pranking horse, उनके जो रथ को शक्तिशाली घोड़े घींच रहे होते हैं। Then much to their surprise, a band of women soldier come marching। तब उनको क्या होता है, एक और सरप्राइज दिखाई पड़ता है और औरत सैनिकों का एक समूह मार्च करते हुए उधर से आ रहा होता है। They wore a boots, trousers and tunics and pointed caps and carried big sword। यानी कि वे औरतों का झुंड बड़े से बूट ट्राउजर और अंग रखा यानी कि बॉडी का यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप के पहने रखे थे और उनके सर पर मुखिया टोपी था।
और वे लोग बड़े बड़े तलवार लिए हुए थे। द किंग इज ऑलवेज गार्डेड बाई वोमेन, जो महाराज थे ना वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए वोमेन सोल्जर ही तैनात रहते थे। दे आर ऑल फियर्स फाइटर एंड कम फ्रॉम द माउंटेन रीजन, केशव टोल्ड हिम। केशव उन्हें बताता है ये जो औरत है ना वो काफी दूर लड़ाके होती है और वे पहाड़ी क्षेत्रों से आती है। देन कम ए रो ऑफ ड्रमर प्लेइंग अ मार्चिंग बीट, तब उसके बाद ड्रमर का एक समूह आता है जो कि गीत गाते हुए आता है। अ ह्यूज एलिफेंट फॉलोड, यानी कि उसके बाद एक बड़ा सा हाथी उनको पीछे पीछे चल रहा था। इट्स ट्रंक एंड ईयर्स वेयर पेंटेड इन कलरफुल पैटर्न, उन हाथियों का सूंड और कान काफी रंग बिरंगे पैटर्न यानी कि नमूनों नक्काशियों से रंगा हुआ था। ऑन द एलिफेंट्स बैक वाज अ हौदा, और हाथी के पीठ पर एक बड़ा सा हौदा बना हुआ था यानी कि बैठने का स्थान बना हुआ था। किंग अशोका एंड हिज क्वीन सैट ऑन इट, उसी हौदे में सम्राट अशोक और उनकी रानी बैठे हुए थे। अ मैन सेट बिहाइंड देम होल्डिंग अ अम्ब्रेला ओवर देयर हेड, उनके पीछे एक आदमी छाता लेकर बैठा हुआ था जो उनको सर पर ओढ़ाए हुए था। एज द एलिफेंट ड्रू क्लोजर लक्ष्मण लुक्ड अप टू सी किंग फेस, जैसे ही हाथी उनके पास आया तो लक्ष्मण ने राजा का चेहरा देखा। एंड हिज माउथ फेल ओपन इन सरप्राइज, तब लक्ष्मण का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। दे आर वेयरिंग रिच क्लॉथ लॉट्स ऑफ ज्वेलरी एंड ए गोल्डन टर्मन, यानी कि राजा महंगे पोशाक ढेर सारे गहने और सुनहरे रंग के अंगोछा पहना हुआ था। वॉज द मैन भेरी दे हैड मीट इन द बिहारा, वे आदमी बिल्कुल बिहार में जो आदमी से वे लोग मिले थे ठीक वैसा ही उन्हें लग रहा था। पार्वती लुक ही इल, इट इज आवर फ्रेंड फ्रॉम द बिहारा, तो पार्वती उसे देखती है और चिल्लाती है ये तो हमारा दोस्त है जिसको हमने बिहार में उनसे मिला था, ये तो हमारा बिहार वाला दोस्त है। दे बिगन जंपिंग एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, तब वे दोनों उसको देख लिए और काफी चिल्लाते हुए तेजी से कूदने लगे। किंग अशोका टर्न टुवर्ड देम, तब सम्राट अशोक उनके ओर घूमे। एस ही रिकॉग्नाइज द चिल्ड्रन, सम्राट अशोक उन बच्चों को पहचान लिए। हिज लिप कर्व्ड इन ए स्माइल एंड वेव्ड एट हिम, तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वे लोग बच्चे की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किए। केशव लुक एंड देम वाइड आइज, तब जब केशव ने उनकी ओर देखा तो केशव की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह डिड द किंग वेव एट यू जस्ट नाउ, तब वे बोलता है राजा ने तुम्हारी ओर हाथे हाथ कर हाथ को हिलाया है। यू हैव मेट हिम, क्या तुम लोग उनसे पहले मिले हो? यस एट द बिहार, हाँ हमने उनसे बिहार में उनसे मुलाकात हुई थी। ही इवन ब्लेस्ड अस, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया था। इज नॉट दैट फैंटास्टिक, क्या यह कल्पना से परे नहीं है? पार्वती एंड लक्ष्मण ट्यूरिल्ड अराउंड हिज हैप्पीनेस, तो पार्वती और लक्ष्मण को बहुत क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई यानी कि उनको काफी ज्यादा वे लोग प्रसन्न हुए। लकी यू सेड केशव, तब केशव ने उनसे बोला तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ये रहा पोयम का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं पोयम के क्वेश्चन आंसर की ओर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। एक्सरसाइज नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा मैं डायरेक्ट बता दूंगा नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मॉनेस्ट्री में बुद्धिस्ट मॉन्क किस स्थान पर प्रे करते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है? तो बिहारा, यानी कि यहाँ पर द हॉल ऑफ टेम्पल हो जाएगा विथ वॉल पेंटेड विथ स्प्लेंडेड पिक्चर्स हो जाएगा। बॉल्स ऑफ स्मोक इंसेंस अगरबत्ती, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की मनके की माला। पार्वती के पिता किसान थे, भले पॉटर कुम्हार थे जो कि व्हील पहिए पर काम करते थे। जो पार्वती है ना वो बर्तन को नहीं बनाती थी, उनसे बर्तन को पेंट करना पसंद था।
अब चलते हैं बी नंबर टू और फोर। मॉन्क पेड द चिल्ड्रन विद अ हैंडफुल ऑफ गोल्डन कॉइंस, ये फॉल्स हो जाएगा। द सोल्जर हैड गिवन अप फाइटिंग इन ऑर्डर टू फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा। द सोल्जर हैड गिवन अप फाइटिंग इन ऑर्डर टू, यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। केशव वाज एक्साइटेड बिकॉज किंग एंड क्वीन वेयर कमिंग टू द मोनेस्ट्री, ट्रू हो जाएगा। किंग वाज गार्डेड बाय मैन, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये वुमेन से गार्डेड गार्डिंग कर रही थी वुमेन लोग। किंग एंड क्वीन सेंड ऑफ हौदा ऑन एलिफेंट बैक, ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये हौदा, यानी कि हाथी के पीठ पर एक बैठने का स्थान होता है उसको हौदा बोलते हैं, वहीं पर किंग ऑफ क्वीन बैठ गए, ये ट्रू हो जाएगा। द सोल्जर whom the children had met at the Bihar was actually King Ashoka, ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि किंग अशोका बिहार में जो बच्चे से मिले थे वो कौन थे, तो अशोका ही थे वास्तव में। अब चलते हैं सी नंबर क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन प्रश्नों का हमें आंसर करना है। Why had Lakshman and Parvati come to Bihar? Lakshman और पार्वती बिहार में क्यों आए थे, आंसर हो जाएगा दे हैड केम टू डिलीवर ऑर्फन मेड आइटम, वे लोग मिट्टी से बने हुए आइटम को वे लोग मठ में देने के लिए आए थे। सेकेंड नंबर व्हेन द चिल्ड्रन एंटर द हॉल ऑफ द टेम्पल देयर आईज वाइडेंड इन वंडर, डिस्क्राइब व्हाट ही सॉ, यानी कि जब बच्चे हॉल में दाखिल हुए तो उनकी आंखें आश्चर्य खुली की खुली रह गई, वे लोग क्या देखे इसी को हमें लिखना है, आंसर हो जाएगा द हॉल ऑफ टेम्पल वॉज मेड ऑफ रेयर थिंग्स, दे सो वुडन पिलर्स क्राफ्ट विथ डेलिकेट डिजाइन, वॉल पेंटेड विथ स्प्लेंडेड पिक्चर एंड द फ्लोर कवर्ड विथ सॉफ्ट वुडन मैट्स। थर्ड नंबर हु वॉज द टेम्पल व्हाट वॉज द ट्विन, हु वॉज इन द टेम्पल व्हाट वॉज, यानी कि मंदिर में कौन था और वे क्या कर रहा था, तो आंसर हो जाएगा अ मैन प्रेइंग विथ मूविंग ओवर अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, यानी कि वहां पर एक आदमी था जो हाथ में बीट्स यानी कि मनके की माला लिए हुए था, वो माले पर अंगुली फेर रहा था और अपनी प्रार्थनाओं को वो कर रहा था। फोर्थ नंबर डिड पार्वती वर्क ऑन पॉटर्स व्हील, व्हाई, क्या पार्वती व्हील पर काम करती थी क्यों, यस सी वर्क्स ऑन इट, इसका आंसर हो जाएगा यस सी वर्कन ऑन इट बट हर पॉट्स कम आउट ऑल क्रूक, हाँ वो काम तो करती थी लेकिन उनका जो बर्तन था ना वो सभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था पार्वती का। व्हाट डिड द पार्वती रियली लाइक टू डू ऑन द पॉट्स, पार्वती को वास्तव में पॉट्स पर क्या करना पसंद था, आंसर हो जाएगा सी पेंट द पॉट, वो पॉट को रंग देती थी यही उसे पसंद था। सिक्स नंबर व्हाई हैड द सोल्जर गिवन अप फाइटिंग, यानी कि जो सैनिक है ना वो लड़ाई करना क्यों छोड़ दिए, हिंट बुद्धा टीचिंग पीस नॉन वायलेंस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डीप इंपैक्ट इन बुद्धा टीचिंग, यानी कि बुद्धा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसका आंसर हो जाएगा बाय डीप इंपैक्ट इन बुद्धा टीचिंग। सेवन नंबर डिस्क्राइब द रॉयल पोसेशन, शाही पोसेशन का वर्णन करना है, यानी कि देयर इसका एक लाइन में वर्णन हो जाएगा देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग्स इन द प्रोसेशन, यानी कि प्रोसेशन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए। यानी कि लक्ष्मण ने जिस आदमी को देखा है किंग के चेहरे के रूप में उसका मुँह खुला खुला क्यों रह गया, यानी कि लक्ष्मण माउथ फेल अपॉन इन सरप्राइज बिकॉज He was the very man which he met up in the Bihar. यानी कि लक्ष्मण का मुंह इसलिए खुला रह गया, वो बिहार का वही आदमी था जिसे उसने बिहार में देखा था, जो हाथी पर बैठा हुआ था और वही अशोक था, जिस कारण से लक्ष्मण का मुंह खुला का खुला ही रह गया। What do we call craft person? हम लोग किस craft person को क्या बोलते हैं, जो कपड़े बिनता है weaver, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है potter, जो हमारे लकड़ी के चीज़ों को मरम्मत करता है कारपेंटर, जो कि लोहे का सामान बनाता है ब्लैक स्मिथ, जो सोने चांदी को मरम्मत करता है गोल्ड स्मिथ, जो सुंदर हैंड राइटिंग और ब्रश से
करता है, यानी कि स्पेशल पेन से सुंदर सुंदर लिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफर, नक्काशी करने वाला। तीन नंबर अब हम चलते हैं, सब मतलब कुछ, यानी मतलब कोई, जहाँ पर जिस चीज पर लगेगा वहीं पर लगा देना है, जहाँ निगेटिव सेंटेंस हो वहाँ नॉट, यानी कि वी बॉट सम पॉट्स, द पॉट्स मेड सम क्ले लैंप, द पॉटर मेड सम क्ले लैंप, डिड दे पेंट एनी लैंप, हैव यू सोल्ड सम पॉट्स टुडे, नो आई हैव नॉट सोल्ड एनी पॉट्स टुडे, डू यू हैव एनी एप्पल्स इन द फ्रिज, नो बट वी हैव सम ऑरेंज। तीन नंबर ये हो गया कुछ सम और एनी वाला। अब चलते हैं एफ नंबर, एफ नंबर में कहा है सम लगाकर कुछ को पूरा कर देना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें सभी में सम को लगा देना है, यानी कि इसमें एक से लेकर पाँच तक सम में सम ही सम होगा। जी नंबर मच और मैनी लगाना है, मच का इस्तेमाल हम लोग अनकाउंटेबल नाउन, मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल, यानी कि इस लाइन में एक दो तीन चार पाँच यहाँ पर ही मैनी हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स, पीपल मैनी पीपल, ट्वाइस मैनी ट्वाइस, बुक्स मैनी बुक्स, ट्रीज मैनी ट्रीज, यानी कि इन सारे पेड़ों को गिन सकते हैं, इसलिए मैनी और छः सात आठ नौ दस, इन सारे चीज़ों को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए मच। पानी को नहीं गिन सकते मच, टाइम को नहीं गिन सकते मच, नॉइस यानी शोर को नहीं गिन सकते मच, लाइट प्रकाश को नहीं गिन सकते मच, सॉल्ट शुगर को गिन नहीं सकते, तो मच लगा देंगे। जी नंबर एच नंबर डिटरमिनर्स यानी निर्धारक, सम एनी मच मैनी, यानी कि मैनी काउंटेबल में लगा देंगे, मच अनकाउंटेबल में लगा देंगे, एनी कोई सम कुछ, लोग को गिन सकते हैं मैनी, डिड यू मीट सम फ्रेंड्स, द चिल्ड्रन मेड सम टू मच नॉइस, वी कांट हार्डली हियर द टीचर, आई हैड सम फ्राइड राइस फॉर डिनर, आई डिडंट हैव एनी डिसर्ट, रूम डिड नॉट हैव मच लाइट, वी स्टिल हैव सम टाइम बिफोर सनसेट, वी स्टिल हैव सम फाइट बिफोर सनसेट। एच नंबर एक से पाँच ये हो गया। जी एच आई नंबर यहाँ पर सब्जेक्ट यानी डोर ऑफ द एक्शन पर्सन, और इसमें जिस चीज के बोला गया है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसी को हमें अंडरलाइन करना है। इसमें द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो जाएगा, दे सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्वती सब्जेक्ट हो जाएगी, सी सब्जेक्ट हो जाएगी, तो सोल्जर सब्जेक्ट हो जाएगा, दे सब्जेक्ट हो जाएगा, किंग अशोका सब्जेक्ट हो जाएंगे और ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जे नंबर करना है, ये सब्जेक्ट दिया गया है, इसको प्रीडिकेट से मैच कर देना है, यानी कि अशोका द ग्रेट वॉज अ पावरफुल किंग ऑफ एंशियंट इंडिया, ही रूल्ड ओवर द मौर्य एम्पायर, वह मौर्य एम्पायर के ऊपर राज करता था, पाटलिपुत्रा इज नाउ कॉल्ड पटना, द सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम, द सिटी वॉज द किंगडम कैपिटल ऑफ किंगडम। जे नंबर हो गया, अब के नंबर यानी कि अशोक स्तंभ के विषय में यहाँ पर कहा गया है, जो कि हमारे मुठ वगैरह पर सिक्का वगैरह पर मिंटेड यानी कि प्रिंटेड रहता है, सतमें जैसे ये अशोक से लिया गया है, इसी के विषय में आप ये पांच लाइन दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।